आज नगर निगम के तत्वधान में पूरा हमारा किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर बच्चे लोग मिल के हम लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, और हम लोग ने एक गाना भी तैयार करे हैं, एक दो प्लास्टिक को त्याग दो, एक दो तीन चार प्लास्टिक के करो बहिष्कार, पूरा देश को स्वच्छ देश बनाइए। जब तक हमारे हम लोग प्लास्टिक को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ देश नहीं बन पाएगा। हम लोग ये जन जन में यही फैला रहे कि आप लोग प्लास्टिक मत यूज कीजिए, आप लोग सिंगल यूज आप लोग कपड़े का जो बैग है वो लीजिए, कागज का बैग है वो लीजिए। आज नगर निगम के तत्वधान में पूरा हमारा किन्नर समाज, ट्रांसजेंडर बच्चे लोग मिल के हम लोग यहाँ पे रैली निकाल रहे हैं, और हम लोग ने एक गाना भी तैयार करे हैं, एक दो प्लास्टिक को त्याग दो, एक दो तीन चार प्लास्टिक के करो बहिष्कार, क्योंकि जब तक प्लास्टिक के हम लोग बहिष्कार नहीं करेंगे तब तक हमारे पर्यावरण में ऐसे ही गंदगी रहेगा। तब हम लोग ने जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए अपने तरीके से गाना गा के हमारा पूरा किन्नर समाज जन जन तक मैसेज पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, और हम आप सभी से यही कहूंगी कि प्लास्टिक को त्याग दीजिए और कागज के और कपड़े के बने हुए झोला को यूज करिए, और हमारे प्रयागराज को स्वच्छ प्रयागराज बनाइए, पूरा देश को स्वच्छ देश बनाइए। जब तक हमारे हम लोग प्लास्टिक को नहीं त्यागेंगे तब तक हमारा देश स्वच्छ देश नहीं बन पाएगा। तो इसीलिए जन जन तक इस मैसेज को पहुंचाने के लिए हम लोग अपने तरीके से ताली बजा के और गाना गा के ढोलक नाच गाना करके हम लोग करते हैं, और आने वाले महाकुंभ भी है हमारे प्रयागराज में 2025 का, इसको भी स्वच्छ बनाने के लिए और प्लास्टिक मुक्त बनाने के लिए उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। और हम ये कहना चाहती हूँ कि प्लास्टिक के जगह पे कुल्हड़ का यूज करें, मिट्टी से बने हुए, और पत्तल जो पतरी होता है उसका यूज करें, इससे हमारे संस्कृति हमारे परंपरा भी झलकेगा, और जो हमारे जो कुम्हार भाई है जो मिट्टी का काम करते हैं, जो आदिवासी है जो पत्तल बनाते हैं, उनको भी रोजगार मिल जाएगा। तो इस भाव के साथ आज हम लोग ने कार्यक्रम किया, आज हम लोग प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज, प्लास्टिक मुक्त भारत ही करना है, लेकिन आज हम प्लास्टिक मुक्त प्रयागराज में हमारे पूरे किन्नर समाज जो हमारे गुरु के तत्वोधान में ये जो प्लास्टिक मुक्त किन्नर समाज जो सब लेके चल रहे हैं प्लास्टिक का बहिष्कार कर रहे हैं, तो हम लोग ये जन जन में यही फैला रहे कि आप लोग प्लास्टिक मत यूज कीजिए, आप लोग सिंगल यूज आप लोग कपड़े का जो बैग है वो लीजिए, कागज का बैग है वो लीजिए। स्वच्छता ही सेवा के अंतर्गत 17 अप्रैल से 2 अक्टूबर तक जो है मास सफाई अभियान पूरे मतलब प्रदेश में चलाया जा रहा है, उसके तहत प्रयागराज में आज स्वच्छ बाजार अभियान है जिसकी हम लोगों ने अल्लाहपुर में शुरुआत की है, और इसके बाद सिविल लाइन में और हमारी नाई मार्केट में, उसी के तहत आप लोगों ने आज हमारा सहयोग किया है, और जो संदेश आपने दिया प्लास्टिक को लेके, तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपके माध्यम से आप पूरा समाज किन्नर समाज आज हमारे साथ है। लोगों को सीखना चाहिए कि जब जो है ये लोग इतने सफाई के प्रति जागरूक हैं तो हम आम जनता को तो और बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, तो एक इनके माध्यम से हमें एक संदेश देने की कोशिश की है कि आने वाले कुंभ में जो स्वच्छता को लेके जैसे कि माँ कौशल्या ने बताया और कई बार, और इसीलिए उनको हमने ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है कि उनकी बात बहुत लोग मानते हैं और उनका एक बहुत बड़ा तकवा जो है उनका साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, तो हमने उनके माध्यम से ये बात
लोगों तक पहुंचाने का एक जरिया लिया है। 155 घंटे हमारे निरंतर सफाई अभियान है जो प्रयागराज में अलग अलग टाइम है, यानी कि दिन रात सफाई हो रही है पूरे प्रदेश में। कि अनवरत जो है 2 अक्टूबर को सफाई खत्म होगी, जो आज सुबह से शुरू हुई है, दिन में अलग टीम लगी है, रात को जो टीम नाइट स्वीपिंग करेगी वो अपना शेयर दिखाएगी। तो इससे यह चेन बनी रहेगी 155 घंटे का, जो क्योंकि गांधी जी की जो जयंती है 155वीं है, उसको डेडिकेटेड ये जो है सफाई अभियान है।